दोस्तों कैसे हैं आप? तो मेरा आज का टूर जो है छतबीर जू पार्क जीरकपुर का है। तो अभी पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे एंट्री है। यहाँ पे तो यहाँ पे पार्किंग बार है, बाहर से आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते और ना ही कुछ खाने के लिए। तो यह जो चिड़ियाघर है 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, और ये जो है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर जीरकपुर नामक स्टेशन पर है, और चंडीगढ़ से यहाँ के लिए आधा घंटा लगता है बस में। तो आप बस के थ्रू यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे जो टिकट है वो 100 रुपीस जो है एडल्ट के लिए है, और छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ पे 30 रुपये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिसमें लोग अंदर जू का विजिट करते हैं, और यहाँ पे सामने मैप लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बताए हुए हैं कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स किस साइड को है। तो यहाँ पे 18 कॉम्प्लेक्स है अंदर, और यहाँ पे मोर जो है फोटो खिंचवाने के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लेक है, यहाँ इसमें अंदर 2 लेकें हैं यहाँ पे। तो अभी फर्स्ट लेक जो है, जैसे गेट से एंटर करोगे आप तो ये आपको लेक दिखेगी। फिर लेक के बाद जो है आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो पहले बाहर का नेरियो आपको दिखाया मैंने, और यहाँ पे मंकी कम्प्लेक्स से आगे जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मंकी दो के 2 कम्प्लेक्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखो ये लोग बाहर से आए हुए हैं, और यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे और राज्यों के लोग भी भारी संख्या में यहाँ जू में विजिट करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉयल बंगाल टाइगर है आगे, इस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर कॉम्प्लेक्स है आगे, और ये यहाँ पे हिप्पो जो है हिप्पो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और हिप्पो यहाँ पे अभी सोए हुए थे। और यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं जू की तरफ, और दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे एलिफेंट कॉम्प्लेक्स है। तो फेरी नंबर स्टेशन 2 पे है अभी, अंदर का सिनेरियो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे सामने मोर है और व्हाइट डक, आगे यहाँ आप देख सकते हैं व्हाइट डक जो है। तो लोग यहाँ पे झूले का आनंद भी ले रहे हैं, अंदर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहाँ 12 सिंह का बच्चा था, और यहाँ पे जो मेन एलिफेंट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे और भी लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, ले भी रहे हैं फोटो। तो फेरी नंबर 3 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, और यहाँ पे वॉशरूम है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हाइना जो लकड़बग्घा है वो कम्प्लेक्स है आगे, और इंडियन गोल्फ जो भेड़िया वो है कम्प्लेक्स यहाँ पे, और इंडियन वाइल्ड डॉग जिसको लाल भेड़िया बोलते हैं, जंगली कुत्ता। और यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे 2 कैंटीने हैं। तो अभी यहाँ पे आगे कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था तो भूख लगी थी काफ़ी, तो आगे जाके पता किया कि यहाँ क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे जू की बसें भी यहाँ खड़ी थी। तो आगे बढ़ा और वहाँ पे मैगी, पास्ता और चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलेगी आपको। तो मैंने पास्ता ऑर्डर किया यहाँ पे, स्वीट कॉर्न भी है यहाँ पे। तो पास्ता, चिली पास्ता खाने के बाद जो यहाँ मैंने जू के लिए टिकट
मुकराई और बस में बैठ गया। 75 रुपये की टिकट ली मैंने, और यहाँ पे आपको 15 मिनट अंदर जू के अंदर जो है शेर और भी जो स्मॉल डियर है वो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, 2 शेर है यहाँ पे, तो अंदर घूम रहे हैं अपने एरिया में। तो अभी बस में ही ट्रैवल कर रहा हूँ, और भी आपको यहाँ पे जानवर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है बसें ही अंदर जा सकती है, और जो जू के एम्प्लॉय है वो। और आप बस में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, और यहाँ पे आप स्मॉल डियर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे घास खा रहे हैं, अभी चारा डाला हुआ इनको। 12 सिंगा जो है यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। अभी बस में सेल्फी लेने का मन किया और आगे की तरफ बढ़ रहे थे बस में ही, और जंगल और जो जू है यहाँ का आनंद ले रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे 2 बच्चे थे डियर के, तो उभाए, और यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है तेंदुआ कॉम्प्लेक्स है, आप सामने देख सकते हैं, सामने तेंदुआ खड़ा हुआ है। तो तेंदुआ देखने के बाद आगे की तरफ बढ़े, और यहाँ पे जो बाघ है, जो शेर है वो भी आप यहाँ पे देखते हैं, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। आगे यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े, और यहाँ पे बिल्लियाँ हैं, तो आपको बिल्लियाँ भी यहाँ की दिखाते हैं। इंडियन फॉक्स जो लोमड़ी है, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। ये यहाँ पे आप बिल्लियाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोमड़ी है, लोमड़ी इधर उधर टहल रही है अपने कॉम्प्लेक्स में। और जंगली कैट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जंगली बिल्लियाँ 2 है कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे ही हम बढ़े तो ये डर रही थी, तो इधर उधर दौड़ रही थी। फेरी स्टेशन नंबर 5 से आगे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ डिजिटल शेल्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर थक गए हैं तो आप यहाँ आके आराम कर सकते हैं। और यहाँ 12 सिंगा का बच्चा आप देख सकते हैं, तो ये जैसे जैसे हम जा रहे थे तो रोड पे ही वहाँ पे खड़ा था, तो मैं भी इसके पास गया, और डायनासोर पार्क की तरफ बढ़ गए हैं, अंदर जा रहे हैं। और भी लोग जो हैं आए हुए हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं। डायनासोर इरा है यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ, जो रीजन है यहाँ पे वो भी अंदर का वो दिखा रहे हैं। स्पाइसेस कौन कौन सी है वो बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अभी अंदर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं डायनासोर, और यहाँ पे मैंने भी फोटो खिंचवाया। और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी जो डायनासोर है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ट्रैक बना हुआ चलने के लिए भूलभुलैया, तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे गुफा बनी हुई है,
तो जहाँ पे अंदर का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो लाइट लगी है गुफा में। यह पंजाब का दूसरा डायनासोर पार्क है, जिससे पहले कपूरथला की पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में डायनासोर पार्क बनाया गया है। तो इसमें आप अलग अलग प्रकार के डायनासोर देख सकते हैं। यहाँ पे अंडे के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, और भी अलग अलग प्रकार के डायनासोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स के अंदर ही, और आगे का नज़ारा आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे कपल के लिए डबल अंडे बनाए गए हैं, ताकि आप यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं। और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था सेल्फी ली, और यहाँ पे ये लोग बाहर से आए हैं, और यहाँ के जू में डायनासोर पार्क का एंजॉय ले रहे हैं। अभी आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एक भाई साहब मिले, उनसे फोटो खिंचवाया। भाई साहब है हमारे, उनकी बहन भी साथ में थी। ये भालू सामने आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। भालू देखने के बाद आगे बढ़े, और यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई है, काफी खूबसूरत है। तो जू में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बतख थी, जिसने अपना फेस जो है अपने अंदर ही छुपाया हुआ है। और भी यहाँ पे लोग घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। डायनासोर पार्क से बाहर निकल चुका हूँ अभी, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चलने के लिए जो ट्रैक बना है, और यहाँ जू का नज़ारा भी साथ में, और यहाँ केले के पौधे भी थे यहाँ पे, और यहाँ पे बतख आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे टहल रहे थे, और भी यहाँ पे पक्षी बहुत सारी यहाँ पे थी। वो यहाँ पे पानी में तैरने का आनंद ले रही थी, और कुछ बाहर बैठी थी, लोग उनको देख रहे थे। कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, गाना चुक रही है यहाँ पे। वुडलैंड की तरफ बढ़े आगे, और भी फैमिली भी यहाँ पे देखने का आनंद ले रही थी। तो और भी जो यहाँ पे पक्षी है उनको देख रहे हैं, और अंदर भी उनके यहाँ पे जाली लगी हुई है, तो खेल रहे हैं यहाँ पे। रुको रुको बुआजी, बुआजी जावास पैरों थी यहाँ पे चिड़िया जो अंदर थी, आप देख रहे हैं अभी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे उसके जो है काफी मात्रा में है, रेन फॉरेस्ट
अंदर को है। पक्षी पक्षी बैठा था। और अंदर जो चढ़ने के लिए ट्रैक है वहाँ पे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जू का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो है यहाँ पे बैठे थे। और यहाँ पे शुतुरमुर्ग जो है सामने दाना खा रहे थे। और यहाँ पे कितनी सारी बतखें बैठी हैं जो पानी में और पेड़ों के ऊपर बैठी है। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पे कुछ अभी जू के अंदर काम भी चला हुआ है, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं लोग। ये शुतुरमुर्ग यहाँ पे काफी मात्रा में है। यहाँ पे अभी जो ट्रैक है वहाँ पे चल रहे हैं, आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिलीज जू से बाहर निकली और आगे तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे छोटे छोटे जो हिरन हैं वो आप देखते हैं यहाँ पे दाना खा रहे हैं, घास जो है। और ये पहुँचा फेरी स्टेशन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए स्पॉट बना था। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे जो हिरन हैं वो घास खा रहे थे, मैं उनके पास गया तो भागे। तो यहाँ पे जो है कैंटीन है, यहाँ पे लोग जो है मैगी चाय और पास्ते का आनंद ले रहे हैं। और सामने वहाँ पे हिरन था। यहाँ पे मोम एंड बेबी केयर सेंटर है जहाँ पे छोटे बच्चों को उनकी माताएं फीड करा सकती है। वो भी जू की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो है जंगली मुर्गे थे, यहाँ पे जंगली मुर्गे देखने के बाद आगे बढ़े। और वहाँ पे माली काम कर रहा था अंदर। और यहाँ पे चिकारा कॉम्प्लेक्स है आगे, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे जो है तोते अंदर खाना चूग रहे हैं यहाँ पे जाके। अभी चूग डाली है इनको और लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे पक्षियों को देखने का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पैरेट जो है पेड़ पे चढ़े हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। और भी पक्षी यहाँ पे अंदर खाने का आनंद ले रहे हैं। जो अभी तो जो मेन यहाँ पे पैरेट है
ऑटो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। जो अंदर ऑटर वो सामने भाग रहा है, फिर आगे जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे जो है आपको यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप, जो मगरमच्छ तालाब में पड़े हैं यहाँ पे। सोए हुए इस टाइम अभी। फिर आगे की तरफ बढ़े और यहाँ पे लोग व्हीकल से वापस निकल रहे थे। और ये सेकंड लेक है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे जो बतखें हैं वो पानी में तैर रही हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है अंदर का।